आज है 27 फरवरी 2022 और ये जो जगह है ये है खोए का कोहिनूर कॉम्प्लेक्स। बेसिकली मैं और मेरा भाई एक टूर पे निकल रहे हैं और ये टूर किसके लिए होने वाला है, किस पे होने वाला है और ये टूर को क्या आपको देखने को मिलेगा, ये तो आपको वीडियो के आखिर तक पता चल ही जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और तो मज़ा तो बहुत आने वाला है वीडियो पे, बस बने रहिए अंत तक। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं यह क्या करूँ, तो मैं यह मेरा भाई का वेट कर रहा हूँ, तो वो रेडी हो चुका है, वो बाहर निकलते ही हम टूर पे निकल जाएंगे। तो उससे पहले थोड़ा बाइक पे पेट्रोल डालेंगे क्योंकि हम लोग जो टूर करने वाले हैं ये बाइक पे होने वाला है, मेरा बाइक पे। तो मैं कभी भी इतना लॉन्ग ट्रेवल नहीं किया बाइक से, तो आज पहली बार मैं कर रहा हूँ मेरे बाइक के साथ। तो देखते हैं, पेट्रोल पंप पे तो फ़ोन यूज़ करना मना है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत फुटेज लिया। अभी पेट्रोल डलवा के आ गया मैं, तो मेरा हम लोगों का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है सुबह सुबह। और अभी 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 सुबह के बज रहे करीब करीब 8 या फिर 7 तो अभी चलते हैं और आप लोग इंजॉय करें ब्लॉग को। थोड़ा बहुत दूरी तय करने के बाद हम लोगों को मिल चुका है हाईवे का क्रॉसिंग। तो ये एक नया हाईवे बनने वाला है त्रिपुरा के ऊपर, जो धर्मनगर एंड अगरतला को एक साथ कनेक्ट कर रहा है एक ही हाईवे पे, अगरतला के साथ कनेक्ट हो रहा है शायद, मुझे भी अच्छे तरीके से इसके बारे में पता नहीं है। तो ट्राई करूँगा इसके ऊपर एक ब्लॉग लाने के लिए। और इतना ख़राब अभी रोड है, अभी 40 के ऊपर तो बाइक चल ही नहीं सकता। तो ये ऐसे ही बोल सकते हो कि कुछ अच्छा होने से पहले जो बुरा वक्त होता है, ये बुरा वक्त ही चल रहा है। तो कोई नहीं, तो चले आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ख्वाहिश से अगरतला जाने में थोड़ा पहाड़ आ जाता है रोड पे, तो ये वही पहाड़ी रोड है। इस पहाड़ी एरिया में यहाँ का जो आदिवासी लोग है वो छोटा मोटा शॉप लगा के रखते हैं ये पहाड़ के अंदर। और एक छोटा सा TSR कैंप है जिसमें फौज वगैरह रहते हैं ताकि आतंकवादी लोग कुछ ना करें। और यहाँ से अगर बात करो, यहाँ से अगरतला का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। और बेसिकली अभी तो वीडियो में बोला ही नहीं हम जाने वाला कहाँ है। तो बेसिकली हम लोग जाने वाले हैं त्रिपुरेश्वरी काली माता के मंदिर, और त्रिपुरा के टूरिस्ट स्पॉट्स में से ये बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। और यहाँ बहुत साल पहले से काली माता का पूजा होता है, राजा के टाइम से, और राजा के टाइम से ये चलता आ रहा है। और मेरे घर से अगर डिस्टेंस की बात करूँ, मेरे घर से 114 किलोमीटर दूर है ये मंदिर। तो चलिए अभी थोड़ा बाइक को स्पीड करते हैं और चलते हैं आगे। और अगर ये कहाँ है ये बोलूँ तो स्टेट है त्रिपुरा, जिला है गोमती और मातावरी उदयपुर। अभी हम लोग पहाड़ी जगह को क्रॉस कर चुके हैं और ये जो जगह आप देख रहे हो ये है, इंग्लिश में अगर बोलो तो इसको कहते हैं 14 गॉड्स टेम्पल, और अगर बांग्ला में इसको कहूँ तो 14 देवतार मंदिर, जहाँ पे हर साल 14 गॉड का पूजा होता है। इसके ऊपर भी एक कहानी है, तो कभी इसके ऊपर अगर ब्लॉग बनाऊँ तो ज़रूर इसको कवर करूँगा। फिलहाल इसको अभी छोड़ते हैं और निकलते हैं त्रिपुरेश्वरी टेम्पल के लिए। इस जगह से 43 किलोमीटर दूर ही है उदयपुर, और उदयपुर के अंदर है त्रिपुरेश्वरी काली मंदिर। अभी हम क्रॉस करने वाले हैं सिपाहीजोला जूलॉजिकल सेंचुरी, जो एक पार्क है। और अभी हम हैं उदयपुर से 19 किलोमीटर दूर, और आप देख सकते हो रोड में कितना ट्रैफिक है। तो ये रोड क्रॉस करने में हम लोगों को बहुत टाइम लग गया था,
फाइनली गाइस 114 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं काली माता के टेंपल उदयपुर। तो हम पहुंच चुके हैं और इस जगह से थोड़ी ही दूर पे है हम लोगों का टेंपल। और गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिपुरेश्वरी काली माता के टेंपल। तो यहाँ पहले तो और एक नज़ारा हुआ करता था, अभी तो फ़िलहाल इधर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। इसको थोड़ा अपग्रेड करने वाले हैं गवर्नमेंट और इसके लिए थोड़ा बहुत काम चालू है, इसीलिए थोड़ा इधर अच्छा नहीं है। तो टूटा फूटा सा है बिल्डिंग वगैरह और इधर आप आराम से देख सकते हो ड्रॉजर वगैरह मिलके जेसीबी वगैरह मिलके इधर खुदाई करके जो काम है इधर शायद थोड़ा बहुत बिल्डिंग वगैरह कुछ बनाया जाएगा। तो पहले हम लोग रखते हैं हमारा जो व्हीकल से बाइक को साइड में पार्किंग करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अभी हम लोग आए हैं इस जगह पे और ये है त्रिपुरेश्वरी काली माता के जो मंदिर का जो दिघी है या फिर कह लो बड़ा सा पॉन्ड, इसमें आ गए हैं हम। और इसमें अभी हम लोग हाथ मुख धो लेंगे, उसके बाद पेरा खरीदेंगे। तो पेरा एक तरह का मिठाई होता है जो त्रिपुरेश्वरी काली मंदिर में जो मिलता है, सभी जगह मिलता है मगर यहाँ जो मिलता है इससे ज़्यादा टेस्टी या फिर इससे ज़्यादा स्पेशल किसी भी जगह पर नहीं है। और यह थोड़ा फिश वगैरह है, पहले चलो फिश वगैरह को थोड़ा खाना वगैरह डाल देते हैं। और आप लोग एक बार ये फिश देख लो, एकदम ये फिश जो है ना एकदम पास आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि यह का माँ का इसमें आशीर्वाद है इस फिश वगैरह में, जो कि बहुत अच्छी तरीके से मतलब है इस पॉन्ड में। और आप देख सकते हो तो कितना पास आ जाते हैं ये। खरीदते हैं थोड़ा खाना, उसके बाद डालते हैं इसके ऊपर। अभी थोड़ा बिस्किट वगैरह खरीदा और डाला, देखो कछुआ कितना बड़ा कछुआ है, इतना बड़ा कछुआ तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। और मैं करीब करीब 10 साल पहले लास्ट आया था त्रिपुरेश्वरी काली मंदिर में। इसमें इसको ये भी कहा जाता है कि जब माँ का मर्ज़ी नहीं होता है कोई इस मंदिर में आ नहीं सकता, और अगर माँ का जब मर्ज़ी होता था तभी लोग यहाँ आ सकते हैं। तो मेरा ही एग्जाम्पल आप लोग देख लो, मैं 10 साल के बाद आया इधर, फाइनली जाके मौका मिला आने का। वैसे ये फिश और कछुआ वगैरह देख के तो मतलब मज़ा ही आ गया। आप इसका साइज देख लो एक बार, कछुआ एक बिस्किट एक ही बार में निकल लेता है भाई साहब, क्या ही बोलो इसका मतलब देख के मज़ा आ गया, मज़ा सा आ गया। लेके आया थोड़ा बिस्किट और इसमें डालता हूँ बिस्किट थोड़ा, अभी डाला मैंने। ये देखो भाई सब मास फिशेस कैसे आके निकल रहा है। और यहाँ का ये भी बात मैंने सुना है, ये भी बोला जाता है कि अगर आपका लक अच्छा नहीं हो तो कछुआ वगैरह देखने को नहीं मिलता। तो शायद मेरा लक इस बार अच्छा था इसीलिए कछुआ मिल गया देखने को। ये वाला कछुआ देखो, इसका साइज देखो, ये वाला कछुआ देख के अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है मुझे। हाथ मुँह धो लिया हम लोगों ने, मछली को भी खाना खिला दिया। अभी खरीदेंगे इधर से पेरा और हम लोग जाएंगे काली माँ के इधर मंदिर में पूजा देने। और चलिए दिखाते हैं उस जगह का नज़ारा। वो मैं और मेरे भाई ने ख़रीद लिया है पेरा और मोमबत्ती, उसके बाद अगरबत्ती और थोड़ा बहुत सामान वगैरह ख़रीदा है। अभी फ्लावर भी ख़रीदेंगे इधर से। तो इधर तो भाई साहब मंदिर के नाम पे बिज़नेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, एक ही फूल देते हैं वो लोग और एक ही फूल का लेते हैं 10 रुपये 20 रुपये, मतलब आप जो हासिल कर सकते हैं। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करने के बाद दो फूल दिया हम लोगों को 10 रुपये से। तो एक्चुअली ये बिज़नेस का जगह है, वो बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है सब लोगों का। लॉकडाउन के वजह से थप पर गया था तो अभी फिर से चालू हुआ है सब कुछ। तो आज तो संडे था और आप लोग देख सकते हो कितना भीड़ है, बहुत मतलब बहुत ही भीड़ है। तो हम लोग पहले चेक कर रहे थे इधर से ब्लैक में, मतलब बिना लाइन पकड़े कि हम लोग पूजा कर सकते हैं, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना भीड़ है ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं नॉर्मल से फिर से लाइन के पीछे रुकने के लिए और लाइन पकड़ने के लिए, फिर हम लोग करेंगे पूजा। तो लाइन में तो बहुत बहुत लोग हैं लाइन पे, करीब करीब हम लोगों के से आगे भी है 500 के करीब लोग, 500 300 से 500 होंगे।
से कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है। इधर शायद बिल्डिंग वगैरह बनेगा। तो अगले साल मैं जब त्रिपुरेश्वरी टेम्पल आऊँगा घूमने, तो अगले साल फिर एक ब्लॉग बनाऊँगा, इस ब्लॉग से बेहतर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग था और इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है और मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर कोई गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसको इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा। टा लाइन पे खड़ा होने के बाद फाइनली हम लोगों का टाइम आया, मंदिर के पास हम लोग आ चुके हैं और अभी देंगे पूजा, करेंगे पूजा। पूजा करने के बाद अभी आए हैं माता के दर्शन के लिए और अब मैं ट्राई कर रहा हूँ माता का थोड़ा फ़ोटो वगैरह लेने के लिए, मगर यहाँ के लोग इतने बदतमीज़ है, इतने बदतमीज़ हैं, मुझे ठीक तरीके से पिक्चर भी नहीं खींचने दे रहे थे। और मैंने फिर भी ट्राई किया कुछ पिक्चर वगैरह ख़रीदने के लिए। और ये जो है कबूतर, कबूतर को छोड़ा जाएगा, किसी का शायद मन्नत था। और यह इस ये भी सुनाई देता है कि जो भी मन्नत करो आप, आपका मन्नत पूरा होता ही है। और यहाँ बलि दिया गया था इस बकरियों का। मैंने फ़ोन में चेक किया, पिक्चर अच्छा नहीं था। मैंने फिर से आया इधर लाइन पे खड़ा होकर फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। इतने दूर से ट्रेवल करके आया और माता को ही नहीं दिखा पाया कैमरे पे, तो ये अच्छा नहीं लगा मुझे। तो फिर से मैं आ गया इधर और एक फुटेज लेने। और यहाँ पंडित लोग पूजा कर रहे थे क्योंकि पूजा का टाइम चल रहा था। ये है त्रिपुरेश्वरी का काली माता। और त्रिपुरेश्वरी काली माता का जो मंदिर है, ये मंदिर पूरा मार्बल ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया था राजा के जो समय है उस समय पे। 1501 सेंचुरी में धन्यमाणिक नाम का जो त्रिपुरा का राजा था, उनने इसको स्थापित किया था। बहुत दिनों का ये मंदिर है, बहुत दिन पुराना मंदिर है ये। और इस जगह पर जो उत्सव होता है, मेन उत्सव होता है, ये दिवाली के दिन होता है। और उसके बाद उस टाइम पे 2 लाख से भी ज़्यादा लोग हो जाता है इस जगह पे। पूजा हो गया, प्रसाद हम लोगों ने खा लिया, अभी इस जगह से निकल रहे हैं और दूसरी जगह जाएंगे। और इस जो जगह है, इस जगह का नाम है कजबेश्वरी काली माता की मंदिर या फिर कमलाशागर काली माता की मंदिर। और ये कहाँ पे लोकेट है, ये अगर बोलूँ तो है डिस्ट्रिक्ट है सिपाही जिला और लोकेशन है कमलाशागर के ऊपर। कमलाशागर यानी कि छोटा सा एक बड़ा सा छोटा सा पॉन्ड टाइप है, इसको बोला जाता है कमलाशागर। और ये जो बनाया था वही राजा ने बनाया था धन्यमाणिक्य ने, और ये 15 सेंचुरी में ही बनाया था, लास्ट में 15 सेंचुरी के लास्ट में। तो बैग खाते हुए सिपाही जोला भी हमने क्लोज कर लिया। और डिस्टेंस की अगर बात करो तो उदयपुर से इसका डिस्टेंस है 52 किलोमीटर। और फाइनली बहुत दूर ट्रैवल करने के बाद हम लोग आ चुके हैं इस जगह पे। और ये जो मंदिर है पूरा बॉर्डर के साइड है, तो इस जगह पे नेटवर्क नहीं मिलता, फ़ोन में सिग्नल नहीं आता। सामने ये जो पॉन्ड दिख रहा है, तो ये जो पॉन्ड है इसका नाम है कमलाशागर, तो बेंगलुरु में ही है इसका नाम। तो अभी बाइक को कर रहे हैं साइड और इधर जाएंगे घूमने। तो अभी देखेंगे, जो देख सकते हो एक बार कितना अच्छा नज़ारा है इस जो पॉन्ड है कमला सागर का। तो इसके जो ऊपर में ही ये मंदिर है, तो मैं एक बार उस साइड से भी एक लुक लेता हूँ। पे एक बड़ा सा फिल्टर है, तो जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए हाथ मुंह धोने के लिए इधर रेड कलर का जो फिल्टर है, टंकी बोल सकते हो इसको, बनाया गया है। और नीचे सीढ़ियों से जा सकते हैं हम कमला सागर के पार पे, और इधर आप उतर के नहा भी सकते हो, मुँह हाथ धो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो लोग इधर बैठा हुआ है और कोई कोई फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, तो इस जगह को थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं। यह है पॉन्ड का क्लोजर लुक। और इसमें बहुत सारा
बोट भी हुआ करता था, लोग बोटिंग भी करते थे, जो टूरिस्ट आते थे। तो कोरोना की वजह से सब कुछ तो बहुत चेंजेस आ गया सब कुछ में, तो सब कुछ धीमा पड़ गया है कोविड की वजह से। तो बोट वगैरह अभी तो बंद है, बोटिंग भी नहीं कर सकते। तो अगर होता तो मैं बोटिंग करता और दिखाता पूरा साइट आपको एक बारी। तो ये है सीढ़ी के ऊपर। तो हम जाएंगे अभी, हाथ मुंह धो लिया, हम जाएंगे अभी माँ के मंदिर एक और एक पूजा करने। और अभी जाएंगे इधर शॉप पे, कुछ खरीदेंगे। इधर भी पैरा मिलता है तो इधर से भी पैरा खरीद लेंगे। ये जो आप ऊपर देख रहे हो टेंपल, यही है माँ का मंदिर। और यह इधर ही जाएंगे, पहले थोड़ा प्रसाद और कुछ फूल वगैरह खरीद लेते हैं, मोम और अगरबत्ती वगैरह। और ये है पैरा, तो ये खरीदेंगे हम लोग। तो अभी मैं जिस दिन ख़रीद रहा हूँ, इस दिन इसका किलो था 440 रुपया किलो था। तो अभी ख़रीदना हो गया, अभी जा रहे हैं ऊपर पूजा करने। वैसे ये घंटी बजा के मज़ा आ गया, क्योंकि ये अलग अलग घंटी में अलग अलग साउंड आता है। और अगर पूजा की बात करो, इस जगह पे जो पूजा होती है या फिर मेन जो उत्सव होते हैं, यानी कि मेन जो मेला, मतलब मेन जो फेस्टिवल होता है, वो होता है बंगाली महीना जो भाद्र मास है उनका, उसका जो अमावस है, अमावस के रात में उसका मेन, मतलब इस जगह का मेन पूजा होता है। तो अभी तो भगवान को ही अभी नहीं दिखाया, तो भगवान को अभी दिखाता हूँ। तो मैंने ज़्यादा पिक्चर क्लिक नहीं कर पाया, क्योंकि इधर पिक्चर क्लिक करना भी मना सा है, वो लोग मना कर रहे थे पिक्चर लेने के लिए। फिर भी मैंने लिया। इस जगह पे बलि होता है, अलग अलग पशु की बलि होता है, बलि चढ़ाया जाता है। हम लोग पूजा वगैरह भी कर चुके हैं, अभी पूजा कंप्लीट हो गया। तो था, हम लोग थे इधर बहुत टाइम थे, मगर पिक्चर वगैरह क्लिक करना मंदिर के अंदर, वो उन लोग मना कर रहे थे पता नहीं क्यों। तो हमने भी नहीं खींचा पिक्चर वगैरह, तो फिर भी थोड़ा मैंने चुपके ले लिया एक दो फोटो। और अभी हो गया सब कुछ, अभी निकल रहे हैं घर की तरफ, अभी चले जाएंगे हम लोग घर की तरफ। तो एक्चुअली आज हम लोगों ने पूरा दिन बहुत इन्जॉय किया और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मज़ा भी आया हम लोगों को, और टायर्ड भी है हम लोग। अभी जाएंगे घर, और यहाँ से घर करीब करीब 90 से तो 100 किलोमीटर हो ही जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने चेक नहीं किया था, 90 से 100 हो जाएगा। और क्योंकि इधर नेटवर्क वगैरह नहीं मिलता तो चेक भी नहीं कर पाया मैंने। अभी चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग आ गए हैं टाउन के एरिया पे, उधर बॉर्डर के एरिया से निकल के, और जा रहे हैं अगरतला के ऊपर से हम जाएंगे फ्लाईओवर के होते हुए, फ्लाईओवर से। और ये है अगरतला का फ्लाईओवर। तो हम लोग आ चुके हैं फ्लाईओवर पे, जो अभी फ्लाईओवर क्रॉस करके पहुंच जाएंगे। अभी हाँ, आगे हम लोग राधानगर के पहले जो ब्रिज है अगरतला के उधर, और हमने प्लान किया कि राधानगर जाके थोड़ा कुछ खाएंगे, क्योंकि थोड़ा हल्का सा भूख लगा है, शाम हो गया। तो हमने प्लान किया थोड़ा चाट खाते हैं इधर का चाट मसाला। तो हम लोगों ने दो चाट लिया, दो और चाट खाया आराम से, फिर हम लोग निकल गए। अभी हम दोनों रुके हुए हैं ट्रैफिक पे, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल रेड हो रखा था,
तो ग्रीन होते ही हम लोग निकल जाएंगे इधर से और वे टू होम। तो चलते हैं। तो बाइक चलते चलते हम लोगों को फिर से भूख लग गया थोड़ा, तो हम रास्ते में ढूंढ ही रहे थे कहाँ थोड़ा कुछ खाया जाए, तो कहाँ थोड़ा कुछ खाया जाए। फिर हम लोगों को नज़र में आया वो मोहनपुर पे एक कॉफ़ी शॉप है रोड के नीचे। क्यों ना उस कॉफ़ी शॉप को एक बार टेस्ट किया जाए, क्योंकि रोड पे जब मैं अगरतला से खवाई अप डाउन करता हूँ तब ये नज़र में आता है, मगर टाइम नहीं मिलता कि इधर उतर के एक कप कॉफ़ी पी सकूँ। तो आज टाइम मिल ही गया, चेक कर लेते हैं इसका रिव्यू कैसा है और ये सर्विस कैसा प्रोवाइड करते हैं। तो चलो हम लोग चेक करते हैं आज, और कॉफ़ी भी पी लेंगे साथ में। तो वैसे ये जो जगह है बहुत ही सुंदर सा है और बहुत अच्छा सा लाइटिंग वगैरह करके रखा है, एकदम थोड़ा अलग ही फील आता है इसमें, और ज़्यादा लाइट भी नहीं है थोड़ा, तो इस कंडीशन में तो कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो बैठते बैठ के ऑर्डर करते हैं और एक बारी मेनू भी पूछ लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो गाइज एक प्रॉब्लम हो गया, तो ये जो कॉफ़ी शॉप है संडे के दिन उतना सारा आइटम नहीं मिलता, मतलब हम लोगों को उस दिन नहीं मिला, तो ज़्यादा कुछ नहीं था उस दिन, तो संडे भी था, तो ज़्यादा कॉफ़ी है और समोसा है। तो हमने बोला ठीक है कॉफ़ी और समोसा ही लगा दो आज। तो हम लोगों के लिए वो कॉफ़ी और समोसा रेडी कर रहा था, तो हम लोग बैठ के थोड़ा बातें शाते कर रहे थे, तो 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों का कॉफ़ी रेडी हो गया। फिर उनने हम लोगों को बुलाया, तो मैंने मेरे भाई को बोला जाके जाओ कॉफ़ी ले आओ, मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो भाई बोला ठीक है करो। फिर भाई गया मेरा और उसको बोला, वो कॉफ़ी लेके आ गया। ये है हम लोगों का कॉफ़ी और समोसा, तो दिखने में तो बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा था, पूरा पैसा वसूल। बहुत मज़ा आया इसको खाने में ऐसे वेदर पे, और जब लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हो और भूख भी ज़्यादा लगता है तो फिर इसमें तो मज़ा ही आ जाता है। खाने के बाद भाई मेरा गया पेमेंट करने के लिए और उनने पेमेंट कर दिया। जैसे इस जगह का ज़्यादा प्राइस नहीं है, नॉर्मल से प्राइस है, जैसे अलग अलग जगह पे मिल जाता है वैसे ही रेट है इनका भी। और अभी चलते हैं घर, और अभी सब कुछ हो गया, तो पूरा दिन आज बहुत हम लोगों ने एंजॉय वगैरह किया, तो अभी सारे टायर्ड, वो भी टायर्ड मैं भी टायर्ड, तो अभी जाएंगे घर। रात का मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं लिया क्योंकि मेरा तो है फ़ोन, और गरीबों का फ़ोन उतना कैमरा अच्छा नहीं है, तो रात में कुछ दिखाई नहीं देता, तो रात का रिकॉर्ड करके क्या ही करूँ, कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने रात का रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो थोड़ा बहुत फुटेज लिया मैंने। तो अभी हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट खोई के पास, तो इधर से 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर शायद हो जाएगा खोई, 3 या 4 किलोमीटर हो जाएगा। नीली हम आ चुके हैं, हम लोगों का जो सिटी है इसमें, इसका नाम है खुआई, और ये जो जगह है ये निपिंजुप्रूट एवेन्यू है, ये तो खुआई का जो लोग है इसको इनको पता ही होगा। और आगे है सुभाष पार्क, जिस जगह से हमने अपना वीडियो स्टार्ट किया था उसी जगह हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट। और आज की अगर ट्रैवलिंग की बात करो, हम लोग करीब करीब 300 से करीब करीब 300 320 किलोमीटर ट्रैवल किया, और वीडियो यही तक ही था। हम लोग आ गए हैं कोहिनूर के सामने। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई गलती रहा तो कमेंट ज़रूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की ट्राई करूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।